सुप्रभात प्यारे बच्चों, कक्षा 9 विषय हिंदी, उप विषय काव्य, शीर्षक दान, रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के शीर्षक हम दान को पढ़ेंगे, इनकी रचना दान को, तो इनका कुछ जीवन परिचय हम जान लें। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1897 ईस्वी के पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले में हुआ था। इनके पिता पंडित राम सहाय त्रिपाठी उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के गढ़कोला ग्राम के निवासी थे, किंतु आजीविका के लिए बंगाल चले गए थे। निराला की प्रारंभिक शिक्षा महिषादल में हुई। संस्कृत, बंगला और अंग्रेजी का अध्ययन इन्होंने घर पर ही किया। प्रारंभ में परिवार के भरण पोषण के लिए इन्होंने महिषादल राज्य में नौकरी की। कुछ समय बाद पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के सहयोग में इन्होंने रामकृष्ण मिशन के पत्र समन्वय का भार संभाला। बाद में मतवाला संपादक मंडल में सम्मिलित हुए। देखिए, पत्नी इनकी मनोहरा देवी, और भाषा ज्ञान हिंदी, अंग्रेजी, बंगला, रुचि घुड़सवारी, कुश्ती। समकालीन महावीर प्रसाद स्वामी द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी प्रमुख संपादन। रुचि उनकी घुड़सवारी और कुश्ती में थी। संपादन मतवाला एवं समन्वय जो है संघर्ष, मनोहरा जो है इसके बाद मतवाला संपादक अत्यधिक संघर्ष व्यतीत हुआ। एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म देकर उनकी पत्नी मनोहरा स्वर्ग सिधार गई। मनोहरा के संगीत और एवं हिंदी प्रेमी महिला थी। इनका निराला पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा, किंतु दुर्भाग्य से 1918 ईस्वी में मनोहरा की अकाल मृत्यु हो गई। पत्नी के विरह के समय में इनका परिचय पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी से हुआ। इनके हृदय में दीन दुखी के प्रति अत्यधिक करुणा थी। ठंड से ठिठुरते हुए किसी असहाय व्यक्ति को देखकर वे अपने वस्त्र भी उतार कर उसे दे दिया करते थे। जीवन की विषमताओं को झेलते हुए 15 अक्टूबर 1961 ईस्वी में डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास पृष्ठ 547 के अनुसार 1962 ईस्वी को हिंदी के यह महान साहित्यकार सदा के लिए इस संसार से चला गया। देखिए, निराला जी एक अक्कड़ का थे। निराला जी को अपने अक्कड़ व्यवहार के कारण जीवन में अत्यधिक आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। आर्थिक दुश्चिंताओं के बीच ही इनकी वह पुत्री सरोज का निधन हो गया, तो जिसने व्यतीत होकर उन्होंने सरोज स्मृति नामक कविता लिखी। इसमें इन्होंने अपने दुखपूर्ण जीवन की अभिव्यक्ति करते हुए लिखा है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहे आज जोग नहीं कही, कन्ने गत कर्मों का अर्पण, कर सकता है तेरा तर्पण। निराला जी की पृथ्वी यह अक्कड़ कवि थे। देखिए, ऐसे महाप्राण निराला ऐसे कवि थे जिन्होंने जो चाहा वह किया, और वास्तव में इनके जीवन दुखमय होते हुए भी ऐसी ऐसी कविताओं को लिखा जो पूंजीवाद को है कुठाराघात करते हुए, पूंजीवाद का विरोध करते हुए जैसे तोड़ती पत्थर, वह इलाहाबाद के पथ पर इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं, प्रमुख रचनाएं अनामिका, राम की शक्ति पूजा, अपरा, कुर्मुत्ता, परिमल, तुलसीदास, गीतिका, अड़िमा, वेला, नए पत्ते, झिंगुर, झरसे, बोला जो है, अपरा, बेला, नए पत्ते, आराधना, अर्चना जो है, तुलसीदास, गीतिका, अड़िमा, वेला, नए पत्ते, अपरा, चोटी की पकड़, अलग, निरुपमा, प्रभावती, कहानी,
लिल्ली चंद्रोपमा शुकुल की बीवी आदि जो है इनकी कहानियाँ थीं। देखिए यह महाप्राण निराला वास्तव में सहानुभूति और पाखंड के प्रदर्शन के प्रति व्यंग करके काव्य की विशेषताएं हैं। जो है निराला का मुक्त एवं क्रांतिकारी स्वभाव परंपरागत छंद विधान को स्वीकार न कर पाया, उन्होंने छंद मुक्त छंद का विकास किया। निराला जी भाषा संस्कृत निष्ठ है, भाषा में खड़ी बोली की निरस्ता नहीं है, वरन उनमें संगीत की मधुरिमा विद्यमान है। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता और प्रतीकात्मकता, अलंकारिकता आदि उनके काव्य में प्रमुखता से विद्यमान है। छायावाद पर आधारित इनकी रचनाओं में कठिन एवं रूह शैली का प्रयोग करने देखने को मिलता है, तो इनकी प्रगतिवादी रचनाओं में सरल एवं शुभोध शैली का प्रयोग दृष्टिगत होता है। अपने विलक्षण व्यक्तित्व के एवं निराले व्यक्तित्व के कारण निराला जी काव्य जगत के महाप्राण की उपाधि से विभूषित हैं। ये वास्तव में हिंदी साहित्य में यदि महाप्राण निराला का मूल्यांकन बात करें तो हम कह सकते हैं कि महात्मा कबीर के बाद हिंदी साहित्य यदि जो है कोई फक्कड़ और निर्भीक कवि उत्पन्न हुआ तो वह थे महाकवि निराला। इनके काव्य में कबीर का फक्कड़पन, सूफियों का संपादन, सुर तुलसी की प्रतिभा और प्रसाद का सौंदर्य, चेतना साकार हो उठी। डॉक्टर राजेश्वर प्रसाद चतुर्वेदी के शब्दों में हिंदी साहित्य में इनके अवदान का मूल्यांकन इस प्रकार किया जा सकता है। निराला युग प्रवर्तक कवि थे, हिंदी के मुक्त छंदों का प्रयुक्त करने का श्रेय इन्हीं को है। उनका भाव जगत विस्तृत है और उन्होंने छायावाद, रहस्यवाद और प्रगतिवाद से अलंकृत किया है। निराला जी की रचनाओं में आग है, पौरुष है और सड़ी गली परंपराओं के विद्रोह भी हैं। निराला जी हिंदी के क्रांतिकारी कवि हैं। प्रस्तुत कविता में दीनहीन वर्ग प्रति की गहरी सहानुभूति व्यक्त हुई है तथा उच्च वर्गीय समाज पर करारा व्यंग किया गया है। देखिए, आइए, मैं दान कविता आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। प्यारे बच्चों देखिए, निकला पहला अरविंद आज देखता निद्य रहस्य साज, सौरभ वशना समीर बहती, कानों में प्राणों की कहती, गोमति छेड़ कटि नटी नमल, नृत्य नृत्य पर मधुर आवेश चपल। मैं प्रातः पर्यटनार्थ चला, लौटाया पुल पर खड़ा हुआ, सोचा विश्व का नियम निश्चल, जो जैसा उसको ऐसा फल। वास्तव में महाप्राण निराला ने कहा, निकला पहला अरविंद आज पहला कमल जो है, जिनके दो अर्थ हो सकते हैं, उपवन में पहला कमल खिला या तथा पहला लाल मुख वाला सूर्य ज्ञान प्रतीत निकला। इसलिए इस दिन कवि धर्म के आडंबर स्वरूप को देखकर यह ज्ञान हुआ कि प्रशंसनीय जो निर्दोष व्यक्ति हैं, देखता अनिंद्य रहस्य साज, जो निर्दोष हैं, प्रशंसनीय व्यक्ति हैं, सौरभ वासना शमीर वहती, जो है सुगंधित से वस्त्र धारण किए हुए जो है और प्रेम का संदेश दे रही है, जो है कानों में प्राणों में कहती, वह उनके कानों में
प्रेम का संदेश देती है। गोमती गोमती छीड़ कटी नटी नवल जो है पतली कमर वाली अर्थात पतली धारा वाली नटी नवल नवीन आयु वाली नर्तकी लग रहा है कि यह जो है कोई पतली कमर वाली नई नवेली नर्तकी हो जो चंचलता पूर्वक नृत्य कर रही हो। मैं प्रातः पर्यटनार्थ चला करेंगी, मैं प्रातःकाल पर्यटन के लिए चला जो है लौटाया पुल पर खड़ा हुआ और लौट कर हम आए और उस पुल पर खड़े हो गए। सोचा विश्व का नियम निश्चल, हमने सोचा है विश्व का नियम जो है वह निश्चल है, इसमें कोई छल प्रपंच नहीं। जो जैसा उसको वैसा फल, जो जैसा है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। देती यह प्रकृति स्वयं सदया, सोचने को न रहा कुछ नया। सौंदर्य गीत बहुवर्ण गंध भाषा भावों से छंद बंद, और भी उच्चतर जो विलास प्रकृति प्राकृतिक दान वेद सप्रयास। देखिए अरे है कि प्रकृति देती है प्रकृति स्वयं सदया, यह सदैव जो है प्रकृति हमें क्या करती है देती है, दया से पूर्ण यह प्रकृति हमें देती रहती है। क्या दया करके प्रकृति हमें सदा देती रहती है। सोचने को न रहा कुछ नया, यह सोचने के लिए कुछ नया पहलू या नया कुछ रहा ही नहीं करे हैं। भाषा भावों के छंद बंद, भाषा भाव छंद बंद यह प्रकृति ही मुझे प्राप्त करती है, और भी उच्चतर जो विलास और विलासिता भी हमें प्रकृति से भी प्राप्त होती है जो है या अनायास आती हैं सब, जो प्रकृति प्राकृतिक दान वे सब प्रयास, वे जो प्राकृतिक दान हैं वह बिना प्रयास किए ही हमें मिल जाते हैं, हम कोई उसके लिए प्रयास नहीं करते हैं। यान आस आते हैं सब, सब में है श्रेष्ठ धन्य मानो। फिर देखा उस पुल के ऊपर बहुसंख्यक बैठे हैं बानर। एक ओर पंथ के कृष्णकाय कंकाल शेष नर मृत्युप्राय बैठा स शरीर दैन्य दुर्बल। भिक्षा को उठी दृष्टि निश्चल, अति छीड़ कंठ है तीव्र श्वास। जीता ज्यों जीवन से उदास, ढोता जो वह कौन सा साप। भोगता कठिन कौन सा पाप, जो है करे हैं या अनायास आती हैं सब, यहाँ अनायास ही सब लोग जो है आते हैं। और कृष्णकाय व काले शरीर वाला, कृष्णकाय कंकाल से हड्डियों के ढांचा वाला जो है वह शरीरधारी अपनी दीनता करे हैं कि अनायास यहाँ सब लोग आते हैं। सम्य श्रेष्ठ धन्य है यह मानव जो सम्य श्रेष्ठ है। फिर भी देखा उस पुल के ऊपर बहुत संख्या में बंदर बैठे हैं जो है एक ओर पथ की कृष्णकाय, एक ओर उस मार्ग पर काला शरीर वाला कंकाल शीर नरमित्व प्राण। और लग रहा था कि जो है वह से हड्डियों का ढांचा शरीरधारी अपनी दीनता मृत्यु प्राय, लग रहा था कि अभी वह मृत्यु उसकी हो गई है, मृतक कंकाल तंत्र हैं। बैठा स शरीर दैन्य दुर्बल, और वह अपने शरीर सहित दुर्बल दुबले पतले व्यक्ति भिक्षा की उठी दृष्टि निश्चल।
और उसकी दृष्टि जो है भिक्षा के लिए उठी। शरीरधारी दैन्य दीनता से दुबला पतला जो है वह व्यक्ति भिक्षा के लिए उसकी दृष्टि निश्चल हुई और अति छीड़ कंठ है तीव्र श्वास, और अति छीड़ कंठ है उसके कंठ रुध गए हैं, तीव्र श्वास और सांसें उसकी तेज हो गई हैं, शीघ्र तेज हो गई हैं। जीता ज्यों जीवन में से उदास, और उस जीवन को जो है उदासी पूर्वक अपना जीवन यापन कर रहा है, करता है। ढोता जो वह कौन सा सांप, यह कौन सा सांप है जो अपने जीवन में वह उसके उस सांप के बोझ लिए जी रहा है, उसे ढो रहा है, यह प्रश्न सदा ही है। कौन है पथ पर, यह प्रश्न सदा ही है पथ पर, यह उसके हर मार्ग पर यह प्रश्न है कि पर सदा मौन इसका उत्तर। इसका उत्तर जो है वह सदा मौन है, उसका कोई उत्तर वह नहीं दे रहा है। जो बड़ी दया का उदाहरण वह पैसा एक उपाय करण, यह जो बड़ी दया का उदाहरण, यह दया का यही उदाहरण है वह पैसा एक उपाय करण, वह पैसा ही जो है जो इसका उपाय कर सकता है, जो पैसा ही है कि इसका उपाय कर सकता है। मृत्यु प्राय माने मृत्यु के समीप दुर्बादल हरी दूब घास, तो जो है यह व्यक्ति वास्तव में उसका केवल निराकरण जो है पैसा ही है। वास्तव में यह दान कविता जो है हमने कुछ भाग आपको पढ़ाए, आज इतना ही। धन्यवाद।